नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। आरोप है कि रोहिणी अपने चुनाव प्रचार में बिहार की पूर्व सीएम और अपनी मां रावड़ी देवी की सुरक्षा कर्मियों को लेकर जाती हैं। आरोप है कि रोहिणी के साथ उनके रोड शो में रावड़ी देवी के सुरक्षा कर्मी थे। हालांकि इन आरोपों पर रोहिणी ने जवाब भी दिया, लेकिन इन जवाब के साथ ही मीडिया को सवालों के घेरे में ले लिया। रोहिणी ने कहा कि समस्तीपुर में भी सुरक्षा का मिसयूज हुआ है। अब हम आपको उनका बयान भी सुनवाते हैं। लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी का आपने मिसयूज किया। हाँ, मिसयूज ना 5 तारीख को समस्तीपुर में मिसयूज हुआ, वो चलाइए ना आप लोग, तब हम जाने हैं। इसके साथ ही रोहिणी ने सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी पर भी हमला बोला है। जब मीडिया ने उनके सारण के बारे में सवाल किया तो सुनिए रोहिणी ने किस तरह एक मंजे हुए नेता की तरह जवाब दिया। प्रताप रूडी कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं। हाँ, तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको, सब हवा हवाई हवाई में रह जाएंगे। वो सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ही नहीं, रोहिणी के निशाने पर पीएम मोदी भी थे। 2 करोड़ नौकरी से लेकर सारण के स्थानीय चीनी मिल के मुद्दे तक रोहिणी के निशानों पर पीएम मोदी रहे। इसके अलावा उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जनता उनका इंतजार कर रही है। सारण की जनता से किया वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं आज दूसरी नवादा में, सभा को संबोधित करेंगे मैम। तो उसमें हम क्या करें, परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है। तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली रोहिणी ने उन सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया जिनमें उन पर सहानुभूति लेने का आरोप लगाया जा रहा था। रोहिणी ने कहा कि मेरे जैसी आदर्श बेटी कौन पिता नहीं चाहता है। सिंपैथी वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे, पूरा दुनिया मेरा कायल है, इस आदर्श बेटी को कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो। हाँ, सिंपैथी तो ये बैठ कर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है, बेटी बहू बहन को गाली देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू की 2 बेटियां चुनावी मैदान में दिख रही है। इसमें रोहिणी आचार्य को सारण सीट से जहां आरजेडी ने टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती के एक बार फिर पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि लालू की बेटियों के सामने चुनौती बड़ी है, जहां सारण में रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है जो रोहिणी की माँ रावड़ी देवी को हरा चुके हैं। वहीं पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती भी 2 बार रामकृपाल यादव से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू की बेटियां कितना कमाल कर पाती हैं और बीजेपी उनका रास्ता रोक पाती है या नहीं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।